क्या आपने कभी ऐसे चमगादड़ को देखा है जो कि इतना क्यूट होता है कि वो अपनी क्यूटनेस से आपको अपने बस में कर सकता है? और क्या आपने कभी ऐसे लोमड़ी को देखा है जो कि छोटी होने के साथ साथ इतनी ज्यादा क्यूट होती है कि आपका उसे छोड़ने का मन ही नहीं करेगा? तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनकी क्यूटनेस देख के आप भी दंग रह जाएंगे, और इन जानवरों को आप अपने घर में भी पाल सकते हैं। और इन्हीं 10 क्यूट एनिमल्स की लिस्ट में एक ऐसा बंदर भी है जिसका साइज सिर्फ आपके हाथ के बराबर ही होता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें नंबर 10 पर है बेबी लामा। गाइस कभी भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आपको इस बेबी लामा से जरूर मिलना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन पेट और सबसे क्यूट एनिमल है जिसे देखने के बाद आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। पहले के समय में इसे पालतू पशु के रूप में लोगों के द्वारा उनके बोझा उठाने और ऊन के लिए पाला करते थे। अभी जब आप इसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको लग ही नहीं रहा होगा कि इस क्यूट से जानवर से बोझा भी ढुलवाया जा सकता है। जन्म के समय बेबी लामा का वजन 9 से 14 किलो के बीच में होता है, और ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि किसी भी काम को थोड़े समय में ही सीख लेते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ही लॉयल और सबके साथ घुल मिल जाने वाला जानवर है, और इसे पालने के लिए आपको बहुत ही कम रखरखाव की जरूरत होती है। लामा बहुत ही भावुक जानवर होते हैं जो कि इंसानों के आव भाव को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और अगर आप इन पर चिल्लाते हैं या इनको मारते हैं तो ये आपसे तुरंत ही दूर चले जाएंगे, और हो सकता है कि बाद में ये आपके पास भी ना आए। और ऐसे बहुत ही कम इंसान होंगे जो इस क्यूट से इंसान पर चिल्लाएंगे या इसे मारेंगे, क्योंकि इस क्यूट से जानवर को देखने के बाद कौन ही इसे मारेगा। नंबर 9 पर है फिंगर मंकी। गाइस ये छोटा सा और क्यूट सा दिखने वाला जानवर एक मंकी है जिसे शायद आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। इसका छोटा साइज होने की वजह से इसे फिंगर मंकी या पॉकेट मंकी भी बोला जाता है। ये ना तो कभी गुस्सा करता है और ना ही किसी पर अटैक करता है, और इसे पालना भी बहुत ही आसान है क्योंकि ये खाने में सिर्फ फल फ्रूट्स ही खाना पसंद करते हैं। इनका सबसे पसंदीदा फूड एप्पल और बनानास है। जितना ज्यादा ये मंकी क्यूट है उतना ही ज्यादा इस मंकी को खरीदने के प्राइस भी है। इस फिंगर मंकी के एक जोड़े की कीमत 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक होती है। नंबर 8 पर है बेबी तमंडुआ। वीडियो में दिख रहे इस क्यूट से जानवर का नाम तमंडुआ है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों और खास के खुले मैदानों में पाए जाने वाला ये जानवर एंटीटर फैमिली का मेंबर है। आपको इनके बारे में एक बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इनके पास खाना चबाने के लिए कोई भी दांत नहीं होते हैं। ये खाना खाने के लिए अपने शक्तिशाली कीचेट्स पर डिपेंड होते हैं, और ये कच्चा या कोई ठोस खाना नहीं खाते हैं। इनकी छोटी आंखें और गुलाबी रंग का शरीर, उस पर काले रंग के बने पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ये सभी चीजें इंसानों को इनकी तरफ खींचती हैं, और इसके पतले लंबे मुंह में लगभग 10 इंच लंबी जीभ होती है। अगर आप इस जानवर को अपना पालतू बना सकते हैं तो आपको शायद एक बार और सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसे अपनाना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा ही जेब खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही नमकीन खाने का शौकीन होता है, और इन्हें स्वस्थ और खुश रहने के लिए अलग अलग प्रकार के खाने की आवश्यकता होती है। इस तमंडुआ को दुनिया भर में लोग अपना बनाने और पालने के लिए बेताब रहते हैं। नंबर 7 पर है बेबी टाइगर। ये सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई टाइगर कौन पालेगा और इसे पाल के कौन अपनी ही मौत को दावत देगा। लेकिन गाइस यूनाइटेड स्टेट्स में पालतू टाइगर्स की मेजॉरिटी जंगल में रहने वाले टाइगर्स से ज्यादा है, और आपको पता भी होगा कि दुबई में टाइगर्स को कितना ज्यादा पाला जाता है, और दुनिया में टाइगर को पेट के तौर पर पालने की तादाद बहुत ज्यादा है, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटीज भी टाइगर्स को पालना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि टाइगर्स की देखभाल करना बहुत ही मुश्किल है, उन्हें सही ट्रेनिंग देना और उनके खान पान का ध्यान रखना एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बेबी टाइगर्स बहुत ही मासूम से दिखाई देते हैं। इन्हें देखने के बाद हर कोई यही भूल जाता है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एक बेबी टाइगर को सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है, जबकि ये पूरी तरह बड़े होने पर एक बार में लगभग 36 किलोमीटर आसानी से खा जाते हैं। नंबर 6 पर है बेबी स्लॉथ्स। ये एक वेजिटेरियन एनिमल है जो कि अपनी धीमी गति से हिलने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इसके इसी वजह से इसको आलसी जानवर भी बोला जाता है। ये इतने प्यारे पालतू जानवर हैं कि क्रिस्टन बेली जैसे सेलिब्रिटीज इन्हें पालना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस क्यूट बेबी स्लॉथ्स के साथ बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं, जिन्हें लोगों ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया। ये बहुत ही हाई मेंटेनेंस क्रिएचर हैं। आमतौर पर ये कीड़े और पत्ते खाते हैं। इनके लिए बंद कमरे में रखना बहुत ही मुश्किल है। ये खुले में और पेड़ पौधों के ऊपर ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 5 पर है पाइथन। इस अजगर को देखते ही लोगों को पसीने आने लगते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सांपों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और उन्हें उनसे इतना ज्यादा लगाव होता है कि अजगर जैसे विशाल जानवर को अपने घर में तक पालते हैं। इसकी कुछ
प्रजातियां बहुत ही सुंदर और आकर्षित होती हैं, जैसे बेल पाइथन, बोआ कंस्ट्रिक्टर। इन ठंडे खून वाले प्राणियों को आरामदायक रखने के लिए बड़े और गर्म पिंजरे की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ देशों में पाइथन को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कई कंट्रीज में इसे पालने की अनुमति है। नंबर 4 पर है बेबी स्कंक। ये जानवर बहुत ही छोटा और प्यारा होता है, जिसपे काली और सफेद धारियां होती हैं। कुछ रेखाएं धारीदार होती हैं तो कुछ धब्बेदार होती हैं, जो इन्हें सबसे अलग और शानदार बनाती हैं। स्कंक नॉर्मली घर की बिल्लियों के आकार के होते हैं। ये 8 से 19 इंच यानी 20 से 48 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं और इनका वजन लगभग 3 किलो से 7 किलोग्राम तक होता है। ये छोटे जानवर USA, कनाडा, दक्षिण अमेरिका और मेक्सिको में पाए जाते हैं। इनकी एक विशेषता है, जब ये गुस्सा होते हैं तो ये पीछे से बदबू छोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इन्हें पाला जाता है तो इनकी इन ग्रंथियों को हटवा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इस दुर्गंध को नहीं छोड़ पाते। इसके अलावा इनका व्यवहार इंसानों के प्रति बहुत ही शांत होता है। आप जिस भी स्कंक को पालने वाले से पूछोगे तो वो यही बताएगा कि ये बहुत ही ईमानदार और प्यार करने वाला और डिसिप्लिन में रहने वाला जानवर है, इसीलिए इन्हें पालना बहुत ही आसान होता है। नंबर 3 पर है बेबी फेनिक फॉक्स। ये फॉक्स मेनली सहारा रेगिस्तान और अरेबिक रेगिस्तान में पाई जाती है, जो कि क्यूट होने के साथ साथ बहुत ही कूल जानवर भी होता है। फेनिक फॉक्स फॉक्स की नस्ल की सबसे छोटी प्रजाति होती है। ये 14 साल तक जी सकते हैं, जो कि डॉग की एज के बराबर है, और इसका वजन 700 ग्राम से 1 किलोग्राम तक होता है, इसलिए इन्हें बाहर ले जाना भी बहुत आसान होता है। ये छोटी सी फॉक्स बहुत ही तेज होती है और इसे दौड़ने के लिए बड़े से रूम की भी जरूरत होती है। इनकी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीजें इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिन्हें देखने के बाद हर कोई इन्हें अपने पास बुलाना चाहता है, और इस फॉक्स की देखभाल एक इंसान के बच्चे की तरह ही करनी पड़ती है। नंबर 2 पर है 10 सुगर ग्लाइडर। गाइस, अगर आप इसे देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसे ना पालना चाहो, क्योंकि ये इतना क्यूट होता है कि हर किसी इंसान को ये पसंद आ ही जाता है। और इसकी सबसे खास बात होती है कि ये कुछ दूरी तक उड़ भी सकता है, जो कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, और लोगों को अपनी ओर और भी ज्यादा आकर्षित इनकी आंखें करती हैं। इनकी वीडियोस इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल होती हैं, जिन पर लाखों करोड़ों में व्यूज होते हैं। इनकी देखरेख करना भी इजी है, क्योंकि इन्हें खाने में फल फ्रूट्स ही पसंद हैं। इन्हें आप पिंजरे में भी रख सकते हैं या इन्हें रखने के लिए एक अलग से घर भी बना सकते हैं। वैसे गाइस, आपको ये क्यूट सुगर ग्लाइडर कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इसे पालने का मौका मिले तो आप इसे अपने पास रखोगे या नहीं। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है अंडोरान व्हाइट बैट। गाइस, ये चमगादड़ दुनिया का सबसे क्यूट चमगादड़ है, जो कि बाकी चमगादड़ों से यूनिक है। इन्हें देखने के बाद आपको इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बल्कि इन्हें छूने का ही मन करेगा। ये देखने में बहुत ही छोटे और रुई के बॉल जैसे होते हैं। इन प्यारे से चमगादड़ों को कैरेबियन व्हाइट टेंट मेकिंग बैट या कॉटन बॉल बैट भी कहा जाता है। अभी आप इसे देख रहे हैं, यही इसका मैक्सिमम साइज है, लेकिन मेल बैट फीमेल बैट से थोड़ा बड़ा और भारी भी होता है। और ये हेलिकोहिया पेड़ों के पत्तों के नीचे रहते हैं और उन्हें खाकर न्यूट्रिशन पाते हैं, इसीलिए इनके लिए टेंट मेकिंग बैट शब्द यूज किया जाता है। ज्यादातर ये पत्तियों के नीचे ही अपनी लाइफ बिताते हैं और ये अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम चांसेस है कि ये किसी को देखने को मिले। तो गाइस, आपको इन सभी क्यूट जानवरों में से सबसे क्यूट जानवर कौन सा लगा, और क्या आपने इनमें से किसी भी जानवर को रियल लाइफ में देखा है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया के इन टॉप 10 क्यूट एनिमल्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।